फ्रेंड से बोल रहा हूँ, मोमो का प्रिपरेशन कैसे बनाना है हम दिखा रहा आप लोगों का शो में, और मोमो का मैदा कैसे होता है वो कैसे करना है आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, और मोमो कैसा फोल्डिंग होता है वो आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर कैसे करके स्टीम होता है, कैसे करके बनाया जाता है वो आप लोगों को दिखाता है। ये चिकन कीमा है, और ये लहसुन पत्ता है, और ये चाइनीज कैबेज चॉप है, और ये ऑनियन चॉप है, और ये सॉल्ट है, शुगर, वाइट पेपर और ऑयल। ये चिकन कीमा है, ये चिकन कीमा, ये ऑनियन, और ये है चाइनीज कैबेज चॉप, लहसुन पत्ता चॉप, और ये है ऑयल 1 स्पून, ये है सॉल्ट, ये पेपर, ये शुगर, इसके बाद इसको मिलाएगा। इसके बाद इसको 20 मिनट जैसा फ्रिज के अंदर रखना पड़ेगा, थोड़ा इसको जमना होगा, थोड़ा 20 मिनट जैसा। हम डो बनाने जा रहा हूँ, उसको कैसे प्रिपरेशन करना है आप लोग देख सकते हैं, उसको हम मैरिनेशन कर रहा हूँ। ये फ्लावर है, ये वाटर है, इसको प्रिपरेशन करके इसे रोल करके इसको रोल करके ऐसा लंबाई करके ऐसा करके 6 पीस जैसा पोर्शन के हिसाब से ऐसा गोली करके निकालना होगा आप लोग को, ऐसे ऐसा करके। इसके बाद इसको ऐसे चापेगा ऐसे करके, जितना चाबेगा उतना बेलने में अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा सा मैदा डालेगा, थोड़ा ये करेगा, ये आपका अच्छा करके बेलना होगा। इसको साइड का जितना पतला होगा उतना अच्छा रहेगा, बीज का मोटा होना चाहिए। जितना पतला रहेगा उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। में 20 मिनट्स इज ओवर जैसा फिलिंग, अब ये फिलिंग करेगा ये इसका अंदर। ये हम लोग का स्टीमर बास्केट है, ये इसमें मार्केट में मिलेगा इसका, और इलेक्ट्रिक भी है और आपका फाइबर का भी मिलता है इसमें। अब अगर ये अगर आपका पास नहीं होगा तो हंडी के ऊपर एक जाली वाला थाली रख के उसमें ऑयल लगा के आप बैठाइए, 10 से 15 मिनट में ऊपर से ढकना दीजिएगा, आपका हो जाएगा उसमें।